कुदरत ने हमें कई इंद्रियां दी हैं, देखने के लिए, सुनने के लिए, चखने के लिए, सूंघने के लिए और छूने के लिए। एक और इंद्रिय जिसे हम कहते हैं सिक्स सेंस। पता नहीं कायनात में कितना कुछ है कि हम इन इंद्रियों के बावजूद भी महसूस नहीं कर पाते। हमारी खोपड़ी के अंदर 1100 ग्राम का दिमाग है, उससे हम बूझ नहीं पाते। जब बूझ नहीं पाते, समझ नहीं पाते, उसे हम कहते हैं मिस्ट्री, रहस्य। खूनी नदी, डेथ रिवर, ये नदी दिल्ली के रोहिणी क्षेत्र से निकलती है। यहाँ कुछ ऐसी घटनाओं ने जगह ले ली जिनको सुलझाना असंभव है। यहाँ के लोगों का मानना है कि जो भी इस नदी में प्रवेश करता है वो एक रहस्यमय बल द्वारा नदी के अंदर खींचा चला जाता है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है, शोधकर्ताओं को इस नदी में किसी प्रकार का गुरुत्वाकर्षण बल भी नहीं मिला। और अब इन घटनाओं की वजह से भारत सरकार ने यहाँ सुरक्षा लगा दी है और यहाँ जाना वर्जित है। इस नदी की वजह से कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है, इसका कारण आज भी अज्ञात है। यह रहस्य आज भी विज्ञान को चुनौती दे रहा है और देश की एक अनसुलझी घटनाओं में से एक है। फ्लोटिंग स्टोन। दोस्तों, आप सबने रामायण तो पढ़ी ही होगी और उसमें राम सेतु के बारे में सुना ही होगा। राम सेतु का आज भी एक पत्थर मौजूद है जो पानी में तैरता है। जी हाँ दोस्तों, तमिलनाडु के रामेश्वरम में रामायण के राम सेतु का पत्थर एक मौजूद है और ये पत्थर आज भी तैरता है। कहा जाता है कि पत्थर रामेश्वरम में सुनामी के समय आ गया था और ये पानी में तैर रहा था। तभी से भारत के वैज्ञानिकों ने इस पत्थर की जांच की। वैज्ञानिकों को इस पत्थर में कुछ खास देखने को नहीं मिला। उनको ये पत्थर सामान्य पत्थर की तरह लगा। और ये पत्थर पानी में कैसे तैर रहा है, इस पत्थर में ऐसा क्या है जो इसे डूबने नहीं देता, आज भी ये गुत्थी एक देश की अनसुलझी गुत्थियों में से है। मणिकरण। हिमाचल के मणिकरण में यह गुरुद्वारा बहुत ही प्रख्यात स्थल है। ज्ञानी ज्ञान सिंह मिखित त्वरित गुरु खालसा में यह बताया है कि मणिकरण के कल्याण के लिए गुरु नानक देव जी अपने 5 चेलों के संग यहाँ आए थे। गुरु नानक देव जी ने अपने एक चेले भाई मर्दाना को लंगर बनाने के लिए कुछ दाल और चावल मांग कर लाने को कहा। फिर गुरु नानक देव जी ने भाई मर्दाना को बोला कि आप जहाँ पर बैठे हैं वहाँ से एक पत्थर उठा लीजिए। जब भाई मर्दाना जी ने वहाँ से एक पत्थर को उठाया तभी वहाँ से एक गर्म पानी का स्रोत बहना शुरू हो गया। यह स्रोत आज भी कायम है और इस गर्म पानी का इस्तेमाल लंगर बनाने के लिए होता है। कई श्रद्धालु इस पानी को पीते हैं, कई इसमें डुबकी लगाते हैं। कहते हैं कि यहाँ डुबकी लगाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि श्रद्धालु जब इस उबलते पानी में डुबकी लगाते हैं तो यह पानी ठंडा महसूस होता है। इसी गर्म पानी में श्रद्धालु और गुरुद्वारे के लिए लंगर बनता है। यह गर्म पानी कहाँ से आता है, यह गर्म पानी कैसे होता है, शोधकर्ताओं ने कई तरीके से इसकी जाँच की, परंतु आज तक उन्हें इस गर्म पानी का रहस्य समझ नहीं आया। यह एक देश की अनसुलझी गुत्थियों में से एक है। ऐसी रहस्यमय कहानियाँ मैं आपके पास हर एपिसोड में लेकर आऊँगा। यह आप पर है, यकीन करें ना करें। ये कहानियाँ हैं, मान्यताएं हैं, दंत कथाएं हैं, ये आप पर है, मानो या ना मानो। अगर आप ऐसी रहस्यमय कहानियाँ और सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।